तो चलिए फ्रेंड्स इस इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास है ओट्स, आप किसी भी टाइप के ओट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ओट्स यूज़ कर रही हूँ। ओट्स को मैंने थोड़ा सा पहले तवे पे भून लिया है ताकि इसका थोड़ा सा रॉ टेस्ट जो मुझे पसंद नहीं है वो चला जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कुछ लोग मिल्क लेते हैं, मुझे मिल्क से एलर्जी है तो मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको दही या मिल्क में जो टोटली ऑप्शनल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दही का यूज़ किया है। आपको दही में जो है चाहिए ओट्स, स्ट्रॉबेरीज, मिक्स सीड्स, चिया सीड्स और मूसली। मूसली के वजह अगर आप मूसली नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें कॉलसिन के कोई से भी जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मूसली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ इसका ये एक और बेनिफिट भी है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें रेजिन्स है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिया सीड के लिए, हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हमारे चिया सीड्स जो मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, ठीक है। मैं इसमें 5 टेबलस्पून ऐड करूंगी। आप प्लीज ये यूज करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया। उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़े से फ्लैक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़े से हमारे ओट्स, अब ग्रेट मिक्स, ठीक है। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए आप। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे 1 टेबलस्पून मिक्स सीड्स, सम ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। मैं फिर सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं मॉर्निंग में ऐड करती हूँ, आप चाहें तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। इसको 2 घंटे मॉर्निंग में आप 2 घंटे इसको मिक्स करके रख दें एंड इसके ऊपर से आप सर्व करें सीजनल फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है, जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं सीजनल फ्रूट्स। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं बट बिकॉज आई लव स्ट्रॉबेरीज टू मच, तो आप लोग कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरीज इसके ऊपर आप गार्निश कर लीजिए और इसको 1 आवर तक फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं ब्रेकफास्ट एज अ चिया पुडिंग बूस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा लगा मेरी आपको रेसिपी बताइएगा। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ट्राई की नहीं की। थैंक यू।